मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। चीन कनाडा की जमहूरियत और इंतखाबात में मदाखलत की कोशिश कर रहा है। कैनेडियन वजीर आजम का कहना है कि चीनी मदाखलत रोकने के लिए एजेंसियां टूल्स तैयार करने पर काम कर रही हैं। चीन ने कनाडा के इंतखाबात में मदाखलत की तरदीद कर दी। कनाडा में हाईवे हादसे में हलाक होने वाले 3 गैर मुल्की तलबा की शनाख्त कर ली गई। तीनों तलबा का ताल्लुक बांग्लादेश से था। बांग्लादेशी कॉन्सल जनरल का कहना है कि लवाहकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। टोरंटो में कारोबारी शख्सियात नए कारोबार दोस्त मेयर के लिए पुरुमीद। माहिरीन का कहना है कि जॉन टॉरी ने अपने दौर में कारोबार के लिए साजगार इकदाम किए। सरमायाकार अगला मेयर जॉन टॉरी जैसा देखना चाहते हैं। शुमाली कोरिया की सरहद के नज़दीक जनूबी कोरिया और अमेरिका की मुश्तरका फिजाई मशकें। मशकों में जदीद जंगी तैयारों ने हिस्सा लिया। जापान का भी अमेरिका के साथ फौजी मशकें करने का ऐलान। रूस का साथ देने पर अमेरिका ने चीन को नताइज से आगाह कर दिया। अमेरिकी वजीर खारजा ने चीनी हम मनसब को खबरदार कर दिया। अमेरिका ने चीन को सबसे बड़ा खलाई खतरा करार दे दिया। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। वी डील इन स्टडी, वर्क, पीएनपी एंड पीआर वीजास, गेट स्टार्टअप वीजास, वर्क परमिट एंड बिजनेस वीजास। वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। लाइटो इमिग्रेशन। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि चीन कनाडा की जमहूरियत और इंतखाबात में मदाखलत करने की कोशिश कर रहा है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि चीन कनाडा की जमहूरियत और इंतखाबात में मदाखलत करने की कोशिश कर रहा है। कनाडा के चीन के साथ ताल्लुकात कशीदा होने लगे। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने चीन पर मुल्क के जमहूरी निज़ाम में मदाखलत का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि कैनेडियन इंतखाबात में मुबैना चीन की रिपोर्ट सामने आई है। तफसीलात के मुताबिक अमरीका के बाद कैनेडा के भी चीन के साथ ताल्लुकात कशीदा हो गए हैं। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने जुमे को कहा कि चीन कनाडा की जमहूरियत और इंतखाबात में मदाखलत करने की कोशिश कर रहा है। ट्रूडो ने कहा, मैं बरसों से कह रहा हूं, हाउस ऑफ कॉमन्स के फ्लोर पर भी कहा कि चीन हमारी जमहूरियत में, हमारे मुल्क के अमल में और हमारे इंतखाबात में मदाखलत करने की कोशिश कर रहा है। ताहम उनका ये भी कहना था कि हालिया दो विफाकी इंतखाबात का जो नतीजा था, उसका फैसला कैनेडियन शहरियों ने ही किया है। ट्रूडो का ये भी कहना था कि चीनी मदाखलत रोकने के लिए इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसियाँ पिछले कई सालों से टूल्स तैयार करने पर काम कर रही हैं। उधर कंजर्वेटिव लीडर पियर पॉलिवर ने जुमे के रोज जस्टिन ट्रूडो पर हालिया वफाकी इंतखाबात में चीनी मदाखलत को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा की सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस की इंतहाई खुफिया दस्तावेजात में कहा गया है कि बीजिंग ने 2021 के वफाकी इंतखाबात में एक लिबरल अकलियती हुकूमत को यकीनी बनाने और मुतादिद कंजर्वेटिव उम्मीदवारों की शिकस्त के लिए कोशिश की। दूसरी तरफ चीन ने कनाडा के इंतखाबात में मदाखलत की तरदीद की है। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान ने गुज़िश्ता साल कहा था कि बीजिंग को कनाडा के अंदरूनी मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं है। याद रहे कि गुज़िश्ता साल नवंबर में G20 कॉन्फ्रेंस में चीनी सदर शी जिनपिंग ने वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की इस बात पर सख्त सरजनिश की थी। उन्होंने मुलाकात की तफसीलात क्यों लीक की। कनाडा के शहर टोरंटो में बांग्लादेश के कॉन्सुलेट जनरल ने गुज़िश्ता हफ्ते टोरंटो में एक हाईवे हादसे में हलाक होने वाले 3 बैनुल अक्वामी तलबा की शनाख्त कर ली है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में।
कनाडा के शहर टोरंटो में बांग्लादेश के कॉन्सुलेट जनरल ने गुज़िश्ता हफ्ते टोरंटो में एक हाईवे हादसे में हलाक होने वाले 3 बैन-उल-अक़वामी तलबा की शनाख्त कर ली है। पुलिस ने कहा है कि हाईवे 427 पर इंतहाई तेज रफ्तारी से सफर करने वाली एक कार कॉन्क्रीट के रैंप पर से उड़ती हुई एक खाई में जा गिरी और फिर पीर की देर रात गए आग लगने से पहले एक और कंक्रीट की दीवार से टकरा गई। ओंटारियो की सूबाई पुलिस ने कहा है कि बांग्लादेश से ताल्लुक रखने वाले 4 बैन-उल-अक़वामी तलबा जो टोरंटो में मुकीम थे को कार से खींच लिया गया। पुलिस ने बताया कि एक 20 साल मर्द और 17 साल लड़का जो पिछली सीटों पर बैठे थे हाईवे पर मुर्दा करार दे दिए गए और सामने वाली मुसाफिर सीट पर बैठी 20 साल खातून अस्पताल ले जाने के बाद दम तोड़ गई। कौंसलर जनरल लुत्फुर रहमान ने बताया कि मरने वाले 3 तालिबे इल्मों में अरियान आलम डिप्पू, शहरियार माहिर खान और एंजेला बारोई शामिल हैं। लुत्फुर रहमान ने बताया कि 21 साल ड्राइवर नबीर कुमार मकबूल बांग्लादेशी ग्लूकार कुमार विश्वजीत का बेटा है और तश्वीशनाक हालत में टोरंटो के एक अस्पताल में जेर इलाज है। कौंसलेट जनरल लुत्फुर रहमान ने जाबहक होने वाले अफराद के लवाहकीन से दिली ताजियत का इजहार किया और उनकी दायमी सलामती और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। बैन-उल-अक़वामी सरमायाकार टोरंटो शहर की क़यादत संभालने के लिए जॉन टॉली जैसे कारोबार दोस्त मेयर की ख्वाहिश रखते हैं। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। टोरंटो आने वाले महीनों में एक नए मेयर का इंतखाब करने के लिए नज़र आ रहा है। मुबस्सिरीन का कहना है कि बैन-उल-अक़वामी सरमायाकार क़यादत संभालने के लिए जॉन टॉरी जैसे कारोबार से मुतालिक एक और रहनुमा की तलाश में है। जॉन टॉरी की मियाद जुमे को ख़त्म हुई। टोरंटो सिटी हॉल में 10 फरवरी को शुरू होने वाले एक हंगामा खेज हफ्ते को ख़त्म करते हुए जब उन्होंने एक साबिक अमले के साथ नामुनासिब ताल्लुकात का एतराफ़ करने के बाद अपने इस्तीफे का ऐलान किया। माहिरीन का कहना है कि सरमायाकारों को किसी के ज़ाती ताल्लुकात से कोई सरोकार नहीं। सरमायाकार एक कारोबार दोस्त मेयर की तवक्को कर रहे हैं। 68 साल जॉन टॉरी टोरंटो के कारोबारी और सियासी अशराफिया के एक रुकन हैं। उन्होंने अपने कारोबार और नशरियाती करियर के दौरान उस शोहरत को एक तंग नज़र एतदाल पसंद क़दामत पसंद के तौर पर सियासत में दाखिल होने से पहले हासिल किया। वो रॉजर्स फैमिली ट्रस्ट की मशावरती कमेटी में बैठते हैं जो कि रॉजर्स कम्युनिकेशंस इनकॉर्पोरेशन को कंट्रोल करती है। माहिरीन का कहना है कि बैन-उल-अक़वामी बिरादरी चाहती है कि शहर का अगला मेयर कोई टोरी जैसा हो जिसने कारोबार के साथ दोस्ताना होने की साख बनाई। डिप्टी मेयर जेनिफर मैककल्वी ने शहर की क़यादत संभाली है जब तक कि आने वाले महीनों में नए मेयर के इंतखाब के लिए ज़िमनी इंतखाब नहीं हो जाता। उसने कहा है कि वो मेयर के लिए इंतखाब नहीं लड़ेंगी। आइंदा ज़िमनी इंतखाब मुमकिन तौर पर मुसाबकती होंगे और शहर के लिए आला सतह के तरक्की पसंद उम्मीदवार बहुत से मुख्तलिफ तस्वुरात पेश करेंगे। कुछ सियासी माहरीन ने कहा है कि ये टोरंटो के तरक्की पसंद बाएँ बाजू के एक दहाई से ज़ायद अरसे में मेयर मुंतखब करने का बेहतरीन मौका हो सकता है। शुमाली कोरिया की सरहद के नज़दीक होने वाली अमरीका और जनूबी कोरिया की मुश्तरका फौजी मशकों में जदीद जंगी बम्बार तैयारों ने हिस्सा लिया। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। शुमाली कोरिया की सरहद के नज़दीक होने वाली अमरीका और जनूबी कोरिया की मुश्तरका फौजी मशकों में जदीद जंगी बम्बार तैयारों ने हिस्सा लिया। अमरीका और जनूबी कोरिया की ये मशक शुमाली कोरिया की जानिब से जापान के मगरबी साहिल के करीब समंदर में तवील फासले तक मार करने वाली बैन-उल-बर्र-आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल हवासोंग 15 के तजर्बे के एक दिन बाद हुई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक इस मुश्तरका फिजाई मशक में जनूबी कोरिया के F-35A और F-15 के जबकि अमरीका के F-16 लड़ाका और B-1B बम्बार तैयारों ने हिस्सा लिया। दूसरी जानिब जापान ने भी ऐलान किया कि वो आज अमरीका के साथ एक मुश्तरका फिजाई मशक करेगा जिसका मकसद अपनी रियासत को महफूज बनाने के लिए दिफाई क़ुव्वत को मजबूत बनाना है। शुमाली कोरिया ने जनूबी कोरिया अमरीका और जापान की साला फौजी मशकों के बाइस ही दो रोज़ कबल बैन-उल-बर्र-आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल तजुर्बा बतौर इंतबाह किया था जिसे जनूबी कोरिया और जापान खातिर में ना लाए। जापान ने शुमाली कोरिया की जारियत पसंद फौजी पॉलिसियों और जंगी तैयारियों के बाइस अपने दिफाई बजट में कई गुना इजाफा कर दिया है जबकि जनूबी कोरिया और अमरीका ने शुमाली कोरिया को जंगी अजाइम से बाज रखने के लिए इंतबाह किया। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने चीनी हम मनसब से कहा है कि वो यूक्रेन जंग में रूस की मदद करने से बाज रहे। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग में चीन की मदद पर अमरीकी वजीर खारजा ने अपने चीनी हम मनसब को सख्ती से मुतनब्बा कर दिया। इस हवाले से गैर मुल्की खबर रसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने चीनी हम मनसब से कहा कि वो यूक्रेन जंग में रूस की मदद करने से बाज रहे। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक म्यूनिख में जारी बैन-उल-अक़वामी सलामती कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन पर अमरीकी वजीर खारजा और उनके चीनी हम मनसब वांग जी के दरमियान मुलाकात हुई है। इस मौके पर
सीनियर अमरीकी अहदेदार ने बताया कि मुलाकात के दौरान अमरीकी वजीर खारजा ने तशवीश का इजहार करते हुए चीनी हम मनसब को यूक्रेन जंग में रूस की मदद करने के नतीज से आगाह किया। इससे कबल अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके पास इत्तलात हैं कि वो चीन की जानिब से रूस को असलह और बारूदी मवाद की सूरत में मदद फराहम की जा रही है। दूसरी जानिब चीनी वजीर खारजा वांग जी ने यूक्रेन जंग पर अपने रद्दअमल में मुज़ाकरात के जरिए जंग के खात्मे पर जोर देते हुए यूरोपीय ममालिक को ठंडे दिमाग से सोचने का मशवरा दिया था। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर कहा था कि कुछ क़ुव्वतें नहीं चाहती कि मुज़ाकरात कामयाब हों या फिर जंग जल्दी इख्तिताम पजीर हो। वाज़ेह है कि बीजिंग और वाशिंगटन के दरमियान अमरीकी फिजाई हदूद में मुश्तबा चीनी गुब्बारा मार गिराने के बाद ताल्लुकात कशीदा हो गए थे। गुब्बारे के मंजर आम पर आने के बाद अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने बीजिंग का दौरा मनसूख कर दिया था। दूसरी जानिब अमरीकी जर्नल ने चीन को बड़ा खतरा करार देते हुए कहा है कि असलहे की दौड़ की वजह से महज चंद बरसों में खला की सूरत हाल में बुनियादी सतह की तब्दीली वाक़ हुई है। सबसे ज्यादा चैलेंजिंग खतरा चीन से है, ताहम ये खतरा रूस से भी है। म्यूनिख में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर मीडिया के मुंतखब नुमाइंदों से बात करते हुए अमरीकी स्पेस ऑपरेशंस के सरबरा जनरल ब्रेडले चांस साल्ट्समैन ने कहा कि हम अपने स्ट्रेटेजिक हरीफों के तैयार करदा हथियारों पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि असलहे की दौड़ की वजह से महज चंद बरसों में खला की सूरत हाल में बुनियादी सतह की तब्दीली वाकई हुई है। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।